अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी मुकद्दस हैदर। क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि जी सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे। उसमें हम लोग सनस्क्रीन सनब्लॉक से रिलेवेंट कुछ ऐसी चीजें डिस्कस करेंगे जो मेरा ख्याल हर बंदे के माइंड में आती है। जब भी कभी वो मार्केट में जाता है सनस्क्रीन लेने के लिए तो उसके माइंड में ढेर सारी चीजें आती है, तो उस बंदे को फुल नॉलेज हो सनस्क्रीन को लेकर, या चाहे वो फिर इस तरह का बंदा हो जिसको भी फर्स्ट टाइम पता चला हो कि अच्छा सनस्क्रीन भी कुछ लगाना है। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जब भी आप मार्केट जाते हैं तो आपको कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना जब भी आप कोई सनस्क्रीन बाय करते हैं। इसके अलावा हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि सनस्क्रीन कितनी कितनी तरह का होता है, कौन सा स्किन टाइप है तो कौन सा सनस्क्रीन लगाना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा मार्केट में सनस्क्रीन मिल रहे होंगे आपको और थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। तो ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे अभी इसी वीडियो में, तो वीडियो आपने आगे करके नहीं देखनी क्योंकि हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। जो मर्जी हो जाए जनाब, आपने सनस्क्रीन लगाने लगाने ये बात अपने अपनी पल्ले से बांध लेनी है। सनस्क्रीन लगाने से एक तो सन बर्न से आप बच जाओगे, ठीक है, स्किन कैंसर हो जाता है जो उससे बच जाओगे, कॉस्मेटिक कुछ चेंजिंग्स आती हैं उनसे बच जाओगे जिसमें ये होगा कि स्किन बहुत ज्यादा सैगी सैगी सी फील होना शुरू हो गई है वो आपकी ठीक हो जाएगी। इसके अलावा मतलब उस पर कंट्रोल कर लोगे, स्किन बहुत जल्दी एजिंग वाली साइड पर जाना शुरू हो गई है उस पर कंट्रोल कर लोगे। स्किन पे समटाइम्स बहुत ज्यादा एक्ने होना शुरू हो जाती है, वो सिर्फ और सिर्फ सनस्क्रीन ना लगाने की वजह से होती है, वो ठीक हो जाएगा। पिगमेंटेशन समटाइम्स, इसके अलावा सन स्पॉट्स होते हैं कुछ इस तरह से होते हैं, ये सारा कुछ सनस्क्रीन ना लगाने की वजह से होता है। तो आप जब ये मैंने मोटी मोटी चीजें बताई हैं कि जब सनस्क्रीन लगाना शुरू कर दोगे तो हो सकता है कि 90% जो आपकी स्किन के प्रॉब्लम्स हो वो इसी एक सनस्क्रीन से रिजॉल्व हो जाए। डेफिनेटली कुछ इस तरह के लोग होते हैं वो कहते हैं कि जी हमने सनस्क्रीन नहीं लगानी, एक तो चिपचिप फील होता है, डेफिनेटली चिपचिप फील होता है। इसके अलावा कहते हैं व्हाइट कास्ट छोड़ देती है, हम जब भी सनस्क्रीन लगाते हैं एक्ने हो जाती है। इसके अलावा ये कि जिसकी ब्लेंडिंग करना बहुत मुश्किल है, जब भी हम लगाते हैं अपने मेकअप के नीचे तो व्हाइट सा हो जाता है, जम सी जाती है, पील होना शुरू हो जाती है। ये सारे प्रॉब्लम जो होते हैं ना जब एक बंदे को वो जो फेस कर रहा होता है वो फिर सनस्क्रीन नहीं लगा सकता। एक चीज आपको मैं बताऊं, हर एक वो चीज जिसको करने में आपको अच्छा लगता है, जिसको करने में आपको मजा आता है, आप इंजॉय करते हो, वो आपकी एक रूटीन का हिस्सा बनना बहुत आसान हो जाता है एज कंपेयर टू ऐसी चीज के जो कि लगाने में आपका दिल नहीं करता। आप कहते हो कि यार क्या मुसीबत है, ब्लेंडिंग भी ठीक नहीं होती, बाद में ये मसले हैं वो मसले हैं। सो आपने क्या करना है, आपने सनस्क्रीन ऐसी लेनी है जो कि आपको लगाते हुए आप इंजॉय करो, जो आपको लगे कि यार हाँ आप कुछ ना कुछ अपने फेस पे लगा रहे हो। मार्केट में ना इस टाइम पे ढेर सारे ऑप्शंस आपको मिल जाए, आपने घबराना नहीं है कि अच्छा भाई अब हम कौन सा लगाएं, हम तो ये लगाते थे, हमें तो बिल्कुल लगाने का दिल नहीं करता था, ये हो जाता था वो हो जाता था। मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ये जो सारे मसले हैं ना आपके चिपचिप वाले, व्हाइट व्हाइट कास्ट वाले, ब्लेंड नहीं ठीक हो जाता, पील हो जाती है, ये सारा कुछ जो है ये सारे मसले आपके हल हो जाएंगे। हाउ टू चूज बेस्ट सनस्क्रीन, जब भी आप मार्केट में जाते हो ना तो आपके माइंड में होगा ओके आपके पास ढेर सारी वैरायटी, जैसे कि ये यहाँ पे ढेर सारे सनस्क्रीन है, इसमें से कुछ ऐसे सनस्क्रीन हैं जो कि मैं यूज कर चुकी हूँ, अभी मेरे पास अनफॉर्चुनेटली उनकी बॉटल नहीं है, बट आपको मैं लिंक सबके डाल दूंगी, सब रिकमेंडेड होंगे, आप उनमें से जो लेना चाहो आप ले सकते हो। आप जब भी मार्केट में जाओगे ना कुछ लेने तो आपको सनस्क्रीन इस तरह के मिलेंगे, किसी के ऊपर लिखा होगा SPF फलाना, ब्रॉड स्पेक्ट्रम फलाना, आप कहते हो कि यार अब कौन सा लें। आपने जिस तरह के हम लोग मौसम में रह रहे हैं ना, इस तरह के मौसम में SPF 50 एटलीस्ट लेना ही लेना है। पहली बात तो आपने ये माइंड में बिठा के जानी है कि जब भी हम मार्केट में SPF 50 से नीचे हमने कोई भी सनस्क्रीन नहीं लेना। नंबर टू, आपने ये चीज देखनी है कि उसके अंदर ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो, UVA प्लस UVB या ब्रॉड स्पेक्ट्रम PA प्लस 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 इस तरह कुछ लिखा हो। आपने दूसरी चीज ये नोटिस करनी है, स्पेक्ट्रम में UVA UVB PA प्लस 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 जो लिखा होता है इसका मतलब ये होता है कि ये जो सन से रेज आ रही है ना UVA UVB उन दोनों से आपको प्रोटेक्ट करेगा। द हायर होगा SPF उतने ज्यादा आपके कम चांसेस होंगे सनबर्न होने के, स्किन कैंसर होने के, यानी कि मैक्सिमम आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। जितना आप ज्यादा करते हो ना SPF उतनी ही ज्यादा आपको मैक्सिमम प्रोटेक्शन मिलती है। एक चीज आपको यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं, अगर आपको लगता है कि SPF 100 वाला अगर आप कोई सनस्क्रीन ले लेते हो और उससे लगता है आपको कि अब 100% हमारी स्किन जो है वो सन से प्रोटेक्ट हो गई भी है, तो ऐसा नहीं होता। आप अच्छे से अच्छा भी सनस्क्रीन ले लो ना, फिर भी वो मैक्सिमम 95-97% आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है, इससे ज्यादा कोई भी नहीं प्रोटेक्ट कर सकता। सो इस चीज को आपने अपने माइंड में रखना है। इसीलिए कहते हैं कि सनस्क्रीन लगाएं, ठीक है, आप सन को भी इंजॉय करें, आप रेस को इंजॉय करें, बट उस तरह से नहीं, फिर भी जहां जहां पे बचत हो सकती है वहां वहां पे बचत भी करें सूरज से बचने की। तो बात कर लेते हैं कि किस किस तरह के सनस्क्रीन मार्केट में अवेलेबल है। मार्केट के अंदर आपको मिल जाएगा केमिकल सनस्क्रीन जिसको हम लोग ऑर्गेनिक सनस्क्रीन भी बोलते हैं, इसके अलावा दूसरा जो है वो है फिजिकल सनस्क्रीन जिसको हम लोग इनऑर्गेनिक
या मिनरल सनस्क्रीन भी बोलते हैं। नंबर थ्री है हाइब्रिड। हाइब्रिड सनस्क्रीन क्या होती है, जो कि कॉम्बो होता है इन दोनों का, यानी कि जो मैंने आपको शुरू में बताया केमिकल और फिजिकल, इन दोनों को मिला के जो एक फॉर्मूला बनेगा वो हाइब्रिड सनस्क्रीन का होगा। तीनों चीजों में ना सिर्फ फर्क यही है, काम सबका एक यही है कि उन्होंने आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करना है, बट द वे दे प्रोटेक्ट योर स्किन, ये जो है ना मेन इसमें जो है डिफरेंस है, ठीक है। केमिकल सनस्क्रीन के अंदर ऑक्टोट्रेलिन होता है, ऑक्सीबेंजोन होता है, एवोबेंजोन होता है, वो वाले इंग्रेडिएंट्स हैं कि जब आप इसको सनस्क्रीन की सूरत में अपने फेस के ऊपर लगाओगे ना, ये अब काम किस तरह से करेंगे, जो भी रेज आएंगी उन रेज को यूवीए है या यूवीबी है उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे, आपकी स्किन को कोई भी किसी किस्म का डैमेज नहीं करेंगी वो यूवीए या यूवीबी रेस। अच्छा, ऑन द अदर हैंड जो कि फिजिकल सनस्क्रीन हैं, जो कि मिनरल सनस्क्रीन हैं, जो कि वाइट कास्ट भी छोड़ते हैं, वो क्या होता है कि वो इस तरह की चीजें होती हैं जो कि आप समझ लो कि आपके फेस के ऊपर, आपकी स्किन के ऊपर एक शील्ड का काम करते हैं, ठीक है। जैसे आप ये देख लो, ये शील्ड हो गई, आपने हाथों से एक चीज को रोक दिया, आप जो भी आएंगी रेस वो आपके हाथ से टकराएंगी, हाथ से टकरा के वहां से रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाएंगी, ठीक है, डिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाएंगी, ये हो गया। अच्छा, अब दोनों का देखो काम तो यही है कि आप स्किन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बट उनका एक जो है वो स्किन के साथ इस तरह से डिफ्लेक्ट होकर जा रही है, दूसरा क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। लाइट वेट जेल फॉर्म में आते हैं, बड़ा इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं ना, लोशन की तरह के होते हैं, लगाया और साथ ही एब्जॉर्ब हो गया। इस तरह के जो फॉर्मूला वाले सनस्क्रीन है वो मोस्टली होते हैं केमिकल वाले, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी एग्जांपल है केमिकल सनस्क्रीन के अंदर, एक तो न्यूडर्मा का है, जिसका मैंने न्यूडर्मा या न्यूडर्म है उसका मैं साथ पिक्चर भी लगा दूंगी, उनकी सनस्क्रीन है बहुत अच्छी है, अभी मेरे पास है नहीं, पता नहीं मैंने कहां पे की है, मैंने यूज करके थोड़ी सी छोड़ी हुई थी कि बाद में अगेन यूज करूंगी, बहुत ज्यादा मौसम चिपचिप वाला हो गया हुआ था इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया था। बहुत अच्छा सनस्क्रीन है, उसका रिव्यू देख लें एक दफा, किन स्किन टाइप वालों के लिए वो आप देख लीजिएगा, वो वाला केमिकल है। इसके अलावा वन स्किन का जो है आजकल जेल फॉर्म में चल रहा है वो वाला आपको मिल जाएगा केमिकल के अंदर। इसके अलावा जो जेनफॉर्म का है स्पेक्ट्रा मैट, मैं इन सब की पिक्चर्स लगा दूंगी साथ साथ, आप लोग अगर देखना चाहो तो आप देख सकते हो, ये केमिकल वाला हो गया, ठीक है। जो फिजिकल वाले होते हैं उसके अंदर होता है एक जिंक ऑक्साइड होता है, दूसरा होता है टाइटेनियम डाइऑक्साइड, ठीक है। अब ये वाले जो जिस भी सनस्क्रीन के अंदर आपको मिलेंगे ना, वो होंगे आपके फिजिकल यानी कि मिनरल यानी कि इनऑर्गेनिक सनस्क्रीन होंगे। ये थोड़े से हैवी होंगे, थोड़े से थिक होंगे, थोड़े से ना क्रीम फॉर्म में होंगे आपको, या थोड़ी सी ब्लेंडिंग इनकी मुश्किल है एज कंपेयर टू जो केमिकल वाले। तो निर्वाणा बोटेनिक्स का आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा जितने भी टिंटेड सनस्क्रीन है ना, वो भी सारे के सारे मिनरल होते हैं। अब जो टिंटेड, अब बेसिकली जो होते हैं ना फिजिकल या मिनरल सनस्क्रीन, इनकी व्हाइट कास्ट ही छोड़ते हैं। अब उस व्हाइट कास्ट को ओवरकम करने के लिए काफी सारे जो ब्रांड्स हैं उसके अंदर टिंटेड सा एक वो यूज करें, टिंट यूज करें ताकि उसकी व्हाइट कास्ट को थोड़ा सा ओवरकम किया जाए, ठीक है। सो जो टिंटेड होते हैं वो भी सारे के सारे जो होते हैं वो मिनरल होते हैं। इसके अलावा सर्वे का है, सेटाफेल का है, एक्सिस बाय का है, इंटरनेशनल ब्रांड की भी बात कर रही हूं मैं। नंबर थ्री है जो कि हाइब्रिड है, हम लोगों को नहीं पता हाइब्रिड सनस्क्रीन का, लेकिन वो बहुत ज्यादा कॉमन हो चुके हैं और हम लोग बहुत ज्यादा उसको यूज भी कर रहे हैं। अब हाइब्रिड क्या है, इज अ कॉम्बो ऑफ बोथ, कौन कौन से, फिजिकल भी और साथ ही साथ केमिकल भी। लगाओगे थोड़ा सा लगने पे लगेगा आपको कि हाँ या थोड़ा सा ठीक है, लेकिन साथ ही एब्जॉर्ब हो जाएगा, व्हाइट कास्ट नहीं छोड़ेगा, साथ ही बिल्कुल स्किन के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा, इजी उसकी ब्लेंडिंग होगी, पीलिंग करेगा, स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। यानी दोनों प्रॉपर्टीज रखते हैं वो, ठीक है। सनस्क्रीन के अंदर कौन कौन से आ जाते हैं, इसके अंदर एक तो आ जाता है को नेचुरल का, उसका भी लिंक मैं डाल दूंगी, वो बहुत अच्छा सनस्क्रीन है। इसके अलावा जनाब लिव सन का जो है, जो मैं पर्सनली यूज कर रही हूँ, ये वाला सनस्क्रीन है, अभी मैं इनको ना वन बाय वन वीडियो भी बता दूंगी आपको बना के इसकी। अच्छा जी, सनलिव का ये सनस्क्रीन जो है बड़ा लाइट वेट है, इतना इजीली ब्लेंड हो जाता है, व्हाइट कास्ट नहीं छोड़ता। शुरू में शायद आपको लगे कि थोड़ा सा व्हाइट कास्ट छोड़ा है, लेकिन वो साथ ही ब्लेंड होने पे ना बिल्कुल आराम से ड्रॉप हो जाता है और स्किन को ना थोड़ा सा ब्राइटन अप भी करता है। किसी भी स्किन टाइप वाले इसको यूज़ कर सकते हैं, इवन गर्मियों में, फुल गर्मी में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो है ऑर्गेनिक फॉर्मिस का, ये वाला भी जो है ये हाइब्रिड में आता है। अच्छा जी, ऑर्गेनिक फॉर्मिस का ये वाला सनस्क्रीन बड़ा लोशन सी फॉर्म में, लाइट वेट से है बड़ा, बड़ा ईजिली ब्लेंड हो जाता है, टिंटेड फॉर्मूला है इसका, और जिससे लोशन लाइक कंसिस्टेंसी होती है, नहीं ये बिल्कुल वैसी है, फॉर ऑल स्किन टाइप है, ड्राई स्किन वालों के लिए भी बहुत अच्छा है, इवन नॉर्मल और जो कॉम्बिनेशन ऑयली स्किन वाले आप लोग भी यूज कर सकते हैं इस समर में भी, और कोई व्हाइट कास्ट नहीं छोड़ता बल्कि स्किन को ब्राइटन अप ही करता है। न्यूट्रोजीना का है, ये भी हाइब्रिड में आ जाता है। अच्छा जी, न्यूट्रोजीना का ये वाला जो है ऑयल फ्री सनस्क्रीन है, वंस अगेन जो जैसे बाकी मैंने आपको दिखाया है बिल्कुल वैसा है, व्हाइट कास्ट भी नहीं छोड़ेगा। मेरी तरफ से ये सारे जो मैं बता रही हूँ रिकमेंडेड है, कुछ के लिंक्स मैं डाल दूंगी जो कि अभी मैंने आपको वीडियो में नहीं दिखाया, लेकिन मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, आपको जो अपने बजट के हिसाब से, अपनी नीड के हिसाब से जो बेहतर लगता है आप वो परचेज कर सकते हो। और देखो, कोई भी व्हाइट कास्ट नहीं छोड़ा है, जो हाइब्रिड सनस्क्रीन होते हैं ना उनका यही फायदा होता है, बहुत जल्दी से ब्लेंड भी हो जाते हैं, व्हाइट कास्ट भी नहीं छोड़ते, बड़े लाइट वेट से होते हैं।
इसी तरह और भी काफी सारे जेनफॉर्म के हैं, जो कि स्पेक्ट्रा ब्लॉक है, स्पेक्ट्रा ब्लॉक मैक्स है, ये भी सारे के सारे जो है ये हाइब्रिड में आते हैं, जो कि स्किन पे लगाते हैं आपको लगेगा कुछ इनमें टिंटेड फॉर्म में मिल जाएंगे, कुछ इस तरह के होंगे कि बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएंगे। समझ आ गई इन सारी चीजों की, अब हमारी ये वाली स्किन टाइप है, हमें ये वाला यूज करना है, ये वाला यूज करना है। अगर आपकी स्किन एक्नी प्रोन है तो आप कोशिश करो, क्योंकि देखो एक्नी प्रोन जो स्किन होती है वो बड़ी सेंसिटिव होती है, एक्नी प्रोन है या फिर सेंसिटिव है, या जिसके ऊपर यू नो एक्जेमा की प्रॉब्लम वगैरह आती है, या इस तरह का कोई इशू है, आप लोग कोशिश करें कि फिजिकल जितने भी या मिनरल सनस्क्रीन जो है आप वो वाले यूज करें। टिकल आप तब यूज कर सकते हैं कि आप कहते हैं कि हमारा कलर थोड़ा सा डार्क है, हम कोई भी सनस्क्रीन लगाते हैं मिनरल तो वो ना व्हाइट व्हाइट चिट्टा भूत सा बना देती है, तो आप केमिकल यूज कर सकते हो, केमिकल सनस्क्रीन यूज कर सकते हो। आप कहते हो कि जनाब मुझे ना लाइट वेट सी चाहिए, कोई आपको का कंसर्न है, तो भी आप लोग केमिकल वाली जो है वो यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे पता नहीं मेरे माइक की पेयरिंग का कोई इशू बन गया था, मैं रिकॉर्ड अपनी तरफ से तो कर रही थी लेकिन वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई है, अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। अच्छा जी, मार्केट में आपको ना ढेर सारे तरह के सनस्क्रीन मिल जाएंगे स्प्रे फॉर्म में जो होते हैं, जैसे ये मेरे हाथ में पकड़ा हुआ है, ये बड़े ईजी टू यूज़ होते हैं। अगर आप की जॉब इस तरह की है कि आप घर से ज़्यादा बाहर रहते हो, हाइकिंग करते हो, स्विमिंग करते हो, या इस तरह का आउटडोर ज़्यादा आपका काम है, तो इस तरह के जो सनस्क्रीन होते हैं उनकी एप्लीकेशन बड़ी अच्छी हो जाती है, बाजुओं पर, हाथों पर, पाँव पर, टांगों पर, और बाकी फेस पर लगाने के लिए ये वाली ट्यूब फॉर्म में जो होती है ना ये बड़ी इजी रहती है। अच्छा, बाकी अब ये वाली जो है ये स्टिक फॉर्म में आती है, स्टिक फॉर्म में नॉर्मली जो होती है ये रीएप्लीकेशन के लिए बड़ी कन्वीनियंट रहती है, तो आप ऐसे कर सकते हो, आप इसको अपने बैग में रख सकते हो, क्योंकि आपको पता है जो सनस्क्रीन होती है हर 2 से 3 घंटे के बाद आपने इसको रीअप्लाई करना ही होता है, अगर आप नहीं करते हो तो फिर उसका मकसद फोत हो जाता है। सो रीएप्लीकेशन के लिए अगर आपने मेकअप किया हुआ उसके ऊपर अगेन क्रीम फॉर्म में या जेल फॉर्म में सनस्क्रीन लगाना बड़ा मुश्किल होता है, तो ऐसे सूरत में जो इस तरह की सनस्क्रीन स्टिक्स मिलती हैं वो आपके बैग में होनी चाहिए, जब आपको जरूरत पड़ती है आप साथ ही साथ जो है उसको लगा सकते हो। अच्छा, ऑयली स्किन वाले कोशिश करें कि जो जेल फॉर्म में होती हैं या नॉर्मल थोड़ी सी लाइट फॉर्म में जो होती है ना सनस्क्रीन वो वाली यूज़ करें, और जो ड्राई स्किन वाले होते हैं या नॉर्मल स्किन वाले होते हैं वो आराम से कोई भी किसी भी तरह का सनस्क्रीन जो है वो ईजिली यूज़ कर सकते हैं। तो जनाब ये मैंने कुछ आपको चीज़ा चीज़ा सी बातें बता दी, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।